ये बोल नहीं रहा कुछ, अभी बोलेगा इसके लिए नॉर्मल हो गया है ना। ये देख थोड़ा गूगल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उत्तरा व्लॉग्स। होपफुली आप सभी बढ़िया हैं, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक सो 3:30, और आज का प्लान है तलियार झील जाने का। मैं हूँ, मेरे साथ में मेरा दोस्त है हैप्पी। हैप्पी से मैं आपको आगे मिला दूंगा। अभी हम जा रहे हैं तलियार झील। यहाँ से पहले जाना है हमें सुखपुरा चौक पैदल पैदल, वहां से फिर ऑटो मिलेगी। स्कूटी हम लेके जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चलान कटते हैं। लाइसेंस मेरा है फिर भी चलान बहुत कटते हैं। तो गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं तलियार झील पे, और रोहतक का जू भी है साथ में ही। पहले जू घूमेंगे उसके बाद जाएंगे तलियार झील। यहाँ पे जू की टिकट है 10-10 रुपए अराउंड। सो फटाफट से अब जू में चलते हैं। मैं आपको गेट दिखाता हूँ पहले तो मेन। वो देखो गाइस सामने जो है ना वो रहा जू का गेट। तो जू के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, और मतलब 10-10 रुपए टिकट लगी जैसा मैंने अनुमान लगाया था हिंदी में अगर कहा जाए तो। तो अभी देखते हैं, मतलब यहाँ पे पीछे तो अभी कुछ है नहीं, आगे जाएंगे, आगे देखेंगे जो जो जानवर मिलने वाले हैं, एनिमल्स मिलने वाले हैं। मेरे को बहुत पसंद, यहाँ पे मैं आया था बचपन में, आया था जब मैं होता था अराउंड 8th क्लास में होता था या 9th क्लास में होता था, तब मैं ये जू देखने आया था। और अब मैं कम से कम भी 5 या 6 साल के बाद आ रहा हूँ, और बहुत सी डेवलपमेंट लग रही है। यहाँ पे सफाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है पहले के कंपेरिजन में। अभी मतलब पहले इतनी सफाई नहीं होती थी, पहले कच्चा ही रोड होता था। अब जैसे ये पीछे पूरा पक्का रोड है ना, पक्का एरिया है, पहले ये कच्चा होता था और घास ही घास होती थी और कुछ नहीं होता था। बट अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो बाकी आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे हैं हंस, जैसे हंस ही होते हैं ना ये, जो भी है। इसमें बाहर लिखा भी नहीं हुआ कहीं पे भी क्या है क्या नहीं। मेरे को तो हंस ही लगते हैं इंग्लिश में, वो भूल गया क्या कहते हैं, इतना अभी मेरे को याद नहीं है। लेकिन इनकी चोंच देखो बहुत ज्यादा लंबी है लगे हुए। हाँ ये रॉ कितना बड़ा है, और ये पता नहीं कौन से ब्लैक वाले, मेरे को नहीं पता कौन। अभी मैंने पीछे ये हंस देखने के बाद यहाँ पे पढ़ा, ये बोर्ड है ना पीछे, इस पे लिखा हुआ है कि गिद्ध की 99% मतलब 99% गिद्ध यहाँ से पूरी अपने वर्ल्ड से खत्म हो चुके हैं। सिर्फ 1% प्रजाति बची है। और वैसे गिद्ध है ना बहुत काम आते हैं सफाई करते, जैसे जानवर मर गए या फिर कोई भी उनको खाने का काम करते हैं। जैसे चील कौए वो कहते हैं ना तेरे टोटे टोटे करके चील को वो डाल दूंगा, सेम वही चीज है गिद्ध है ना। मतलब बंदे को जो भी जानवर मर जाते हैं मतलब फॉरेस्ट में जो भी जानवर मरते हैं उनको सभी को खाते हैं। ये जो पीछे है ना इसमें पहले भालू होता था, 5 साल पहले मैं आया था तो यहाँ पे भालू रखा हुआ था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है भालू था, क्योंकि वो पीछे खिड़की है ना उसमें से वो निकल के आ रहा था। बट अभी यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। और इधर होता था चीता, यहाँ पे चीता भी नहीं है, देखते हैं। तेंदुआ होता था, मतलब यहाँ पे तेंदुआ भी नहीं है। तेंदुआ तो मैंने उस टाइम तो देखा था, फिलहाल तो नहीं है, क्या पता वो अंदर चला गया है बाहर आया है या नहीं है। और ना ही इस जू में भीड़ है, इस जू का काम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ कपल्स की वजह से। यहाँ पे कपल्स आते हैं और मतलब जू में घूम के अपने मौज मस्ती करके जाते हैं। अरे पंछियों की आवाज आ रही है, चलते हैं पीछे चलते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे ये खड़ा है एक चीता। ओ भाई कितना पास से ये भाई, डर लगा मैंने इतना पास से पहली बार देखा है, बिल्कुल पास से। लेकिन सेफ्टी देखो पूरी रखते हैं यहाँ पे, जाल दो दो लगे हुए, एक अंदर और एक बाहर। लेकिन लोग वहां से, एक यहाँ बैठा है और एक सामने बैठा ऊपर वहां पे, ये बैठा बिल्कुल पास में। इतने पास से तो मैंने तो पहली बार देखा भाई। ओए बोल नहीं रहा कुछ, अभी बोलेगा इसके लिए नॉर्मल हो गया है ना। ये देख थोड़ा वो घुघरा रहा है ना थोड़ा थोड़ा। गाइस किस्मत अच्छी है जो ये वाला मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार, चीता या तेंदुआ, ये वाला तेंदुआ बहुत पास मिल गया, मतलब देखने में मजा आ रहा था। गाइस यहाँ पे सामने क्या बैठा है, टाइगर ना, यहाँ पे सामने टाइगर है उसमें, बट वो बाहर नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको वो। देखो पहली बार देखा चील भी इतनी पास से, तो पूरी स्पेसिफिकेशन दिख रही है। हाँ मतलब बहुत टाइम बाद, 5 साल बाद आए हैं अराउंड में कम से कम। ये मुंह खोल के बैठा है बिल्कुल, पूरा बड़ा साइज है यार ये, मतलब एक छोटे बच्चे मतलब अराउंड 1 साल के बच्चे के बराबर तो होगा। आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप कभी भी तलियार झील आओ ना तो संडे को आना, क्योंकि संडे को क्या होता है सभी जानवरों को उनके वो कमरे से जो बनाया हो उनसे बाहर निकाल के उनके रूम से फिर उनका गेट बंद कर दिया जाता है ताकि पब्लिक देख पाए, सिर्फ संडे को। बाकी उनको पूरे हफ्ते परेशान नहीं किया जाता, जैसे उनको रहना है जाले के अंदर रहना है बाहर रहना है वैसे रहते हैं। मैक्सिमम जानवर अंदर रहना ही पसंद करते हैं, ह्यूमन बींग के कंटेक्ट में आना पसंद नहीं करते। वो बैठा सामने देखो उल्लू, मतलब उल्लू और ये सब चीजें ये दूर बैठी हैं, यहाँ उल्लू है वहां पे पैरट्स है, पर पैरट्स वीडियो में आएंगे नहीं, इतने छोटे छोटे। ये बैठे अपने सदाबहार मिट्टू तोते वो देखो गैस, ये वाले पता नहीं कौन से पंछी है, गोलू मटोलू से है। उधरू पास चलोगे भाई, उधरू के साथ खेल लेना हमारी गली में, उधरू वो तुम्हारे को पूरा दिन खिलाएगा, चलो तुम बस। मेरे को तो पता नहीं ये कौन से हैं, बट आपको आप देख लेना, आप कमेंट कर देना। चिंपैंजी देखो मेरे को देख रहा है ये भाई, आ गया मेरा
यहाँ पे है गाइस चिंपैंजी, इनकी चल रही है डाइट। ये जाली को पार नहीं कर सकता, मैं अब रूल्स भी नहीं तोड़ सकता ना, इतना ही दिखा सकता हूँ आपको। इसके तो केले चल रहे हैं, उसका पता नहीं, उसकी अंबियां चल रही हैं, आम खा रहा है वहाँ पे, खीरे खा रहा है, ये वाला पूरा पास बैठा है। और इनकी जालियां खुली नहीं दी हुई क्योंकि ये छीन लेता है सामान बाहर से, और बच्चे भी तो मतलब कोई भी सामान दे सकता है बाहर से। मैं आपको चिंपैंजी चिंपैंजी कही जा रहा हूँ, और ये लंगूर है। मेरे माइंड से स्पिट हो गया था, अभी एकदम से याद आया कि भाई मैं तो गलत बोल रहा हूँ, चिंपैंजी एक्चुअली में ये लंगूर है। लंगूर सबसे ज्यादा एक्टिव है पूरे जू के अंदर, लंगूर एक्टिव है, क्या करें, है भी तो इंसानों की प्रजाति। गाइस यहाँ पे ना बड़े मगरमच्छ नहीं रखा हुआ, छोटे ही रखे हुए, वो बैठा सामने मगरमच्छ का बच्चा, ये छोटा इधर घूम रहे हैं। ये छोटा ही है भाई, काफी छोटा है, तो मैंने देखे थे पहले, 5 साल पहले आया था जब मैं बहुत बड़े बड़े भी थे यहाँ पे। ये देखो एक छोटा सा यहाँ पे भी है, ये भी हो रहा है, शूट तो हो रहा है, मतलब ये छोटा सा, वो देखो उसने हरकत कर दी, कैमरा में आती हरकत कर दी भाई ने। गाइस वो देखो बड़े वाला, वो बैठा है वहाँ बैठा सामने एकदम। गाइस यहाँ पे देखो एक इसके नीचे बैठा चीता, यहाँ पे भी चीता है, 3 चीता है, ये वाला नहीं दिख रहा। गाइस ये देखो ये खड़ा है, एक बिल्कुल पास खड़ा है हमारे, बिल्कुल आंखों के सामने। गाइस मतलब बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है, इतने पास से जानवर देखने को मिल रहे हैं। और ये नया बनाया गया भालू के लिए, बट अभी यहाँ पे भालू आया नहीं, थोड़े टाइम में यहाँ पे भालू को ले आएंगे, फिर यहाँ पे एक भालू रखा जाएगा, लोग देख सके और भालू प्रिजर्व रहे, मतलब जोड़ा रखते हैं मैक्सिममली, ताकि आगे ब्रीडिंग हो और मतलब भालू पैदा होते रहें, ताकि इनकी पॉपुलेशन जो है खत्म ना हो। जब भी हम आए हैं लास्ट सेकंड जानवर पे, मतलब इसके बाद एक लास्ट ओस्ट्रिच रह जाएगा। और मैं यहाँ आके देख रहा हूँ व्हाइट कलर की हिरन भी है भाई, मतलब एकदम गजब लग रहा है मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये रहा हिरन बिल्कुल पास में भाई, इसके सींग भी अजब से, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो गाइस बिल्कुल पास में है हिरन, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा है यार, ये घास खा रहा है। ये वाला देखो, ये हमारे को देख के हमारी तरफ आ रहा था, अब कैमरा देखते ही पलट गया। और एक ये रहा बिल्कुल पास, इसमें किसके सींग नहीं, और वो देखो सामने व्हाइट वाले भी है। मैं आपको जाली के पास खरीद गया था, वो देखो बिल्कुल सामने व्हाइट वाले भी भाई, मैंने पहली बार देखा कि व्हाइट हिरन भी होता है। काला हिरन का मतलब अलग ही रखा जाता है, ये जेन्युइन होगी ना स्पीशीज, ये अलग है सबसे। बट ये हाँ ये उधर देख रहा हूँ, वो खड़ा उसको देख रहा है कि ये पास आए मैं आई थिंक सो, बट ये अलग है। ओ भाई गजब शतुरमुर्ग देख, कितना बड़ा है, ओ तेरी भाई कितना, गाइस देखो कितना बड़ा है शतुरमुर्ग, ये कैमरा में तो बहुत छोटा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ ये रियल में इतना बड़ा है शतुरमुर्ग। जाली के पास आ रही है उसकी गर्दन, ये बहुत तेज भागते है, सबसे तेज भागने वाला बर्ड है, और ये आई थिंक सो पास आएगा, पास आएगा। देखो गाइस मेरे पीछे कितना बड़ा है भाई शतुरमुर्ग, ये मेरे तक तो इसकी मतलब वो पहुंच रही है पीठ कली, मेरे यहाँ अराउंड यहाँ लग जाएगी इसकी पीठ, इतना ऊंचा है ये। मेरी हाइट है 6 फीट हाइट है मेरी, और मतलब ये मतलब 6 आ रहा है पूरा का पूरा 6, इतना इसका हाइट है। और गर्दन चली जाए तो भाई पता नहीं कितना लंबा, ये अराउंड 10 फुट का होगा। गाइस ये देखो बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ, कितने बड़े बड़े हैं भाई शतुरमुर्ग, बहुत बड़े हैं यार ये, वो भाई डर लगता है इनको देख के। ये देखो शतुरमुर्ग की लड़ाई होगी, वो भाग रहे आपस में, बीच में कोल आ गया था यार, मतलब इतना मस्त सीन था ना, क्या तगड़ी लड़ाई करते हैं, तो पंजे थप्पड़ी थप्पड़ी, ये पैर मारते हैं जोर जोर से, बहुत जोर से, तीनों की लड़ाई होगी थी अभी। ये देखो ये बिल्कुल हमारे पास आ गए हैं, इनसे मैं छीनूंगा, ये मेरे हाथ पे ना मारते, मेरे को तो डर लग रहा है, कितने पास आ गए, वो इनकी नाखे भी बड़ी अजीब सी है, कितने बड़े वो भाई, वो इसके मुंह में देख पाइप सी लगती है बिल्कुल, वो देख उसने मुंह खोला था एकदम से, हैं कितने भाई गजब ही बड़े हैं। इनकी लड़ाई भी तगड़ी हुई थी, मतलब इन दोनों की उसके साथ नहीं बनी। गाइस मतलब एक ही बढ़िया सीन था, वो बीच में ना कोल आ गया, मैं आपको सीन नहीं दिखा पाया, वरना उसने मतलब अपना पैर होता है ना एकदम से मारा वो दूसरे वाले शतुरमुर्ग की छाती पे भड़क, और फिर वो वहां से लेके यहाँ तक भागते आए हैं पूरे एरिया, मतलब तेजी भागे पूरा, और उसकी नहीं बनती इनके साथ। जू तो हम पूरा घूम लिए हैं, मेरे साथ आया था हैप्पी, जू तो हम पूरा घूम लिया, अब जाएं तलियार झील पे जाएंगे, तलियार झील देखते हैं कैसी है। ये तो मतलब इतना 10 रुपए के अकॉर्डिंग काफी अच्छा था, हाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट जो मैं बोल रहा था ना स्टार्टिंग की रोड पे, उसके बाद कुछ नहीं हुई, उसके बाद तो ऐसे ही है। अब चलते हैं झील पे, देखो बंदरों की लड़ाई हो गई है, ये हमारे पास आ गए बिल्कुल, भाई मेरे को तो डर लगता है, तेरे को लगे ना लगे, रहेगा तो उल्टा अपने दो रहा होगा। अरे हाँ गया गया दूर गया, बिस्कुटों की वजह से इनकी लड़ाई होगी, अब वो आगे छीनेगा शायद, छीनेगा क्या, नहीं मुझे नीचे लगा वो गए, वो रे वो डाल दिया आंटी जी ने, इनकी लड़ाई है, देखिए इनकी इसके हाथ में है फिर भी और खाने के लिए जा रहा है। ये वाला बंदर डरता है मेरे को लगता है, ये वाला है ना,
वैसे अभी पीछे मैं आया हूँ, ये है तलियार झील, यहाँ से बहुत फेमस है रोहतक। बाकी झील में क्या, सिर्फ बोटिंग है और कुछ नहीं है। यहाँ पे पानी इतना अच्छा नहीं है, कुछ है नहीं। बीच में कुछ एरिया बना है, मुझे नहीं पता है क्या है, वो होटल है क्या है मुझे भी नहीं पता। अभी मेरे मम्मा कह रहे थे कि फैमिली के साथ आऊंगा ना, जब जाएंगे, जब अंदर जाके देख के आएंगे, बोटिंग वगैरह सब कुछ करेंगे जब मम्मी और के साथ आऊंगा। अभी मेरे दोस्त के साथ आया हूँ, हैप्पी के साथ ना। मैं अभी इतने पैसे लाया तो अभी मतलब यहाँ पे ही घूम रहे हैं, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। पानी भी बहुत गंदा हो रहा है, बट ये झील काफी बढ़िया है। उधर तक पूरा राउंड काट के आ सकते हैं। 100 रुपए की टिकट है, 100 रुपए में एक राउंड। अभी हम इतनी देर से बैठे थे तलियार झील पे घूम रहे, हमें लगा यहाँ पे ना बोटिंग के पैसे लगते होंगे। अरे भैया, भैया से पूछा हमने, आपका नाम क्या भैया? अमित कुमार। यहाँ पे मतलब हमने पूछा कि यहाँ से कैफे तक जाने का बोट से, मुझे लगा 100 रुपीज प्राइस सिर्फ इसका है। एक्चुअली में ये बता रहे थे कि 100 रुपीज के अंदर से क्या है, पर पर्सन बिलिंग है। अच्छा, बिलिंग है, मतलब खाने पीने की बिलिंग है। यहाँ से फ्री में जाना, फिर हमने कहा हमें भी छोड़ा घूम ही आते कम से कम। चले चलो, हमारी बोटिंग हो गई है शुरू। अभी मोड़ना कैसे? अच्छा उधर, मतलब इधर करेंगे तो लेफ्ट इधर ही जाएगी, मेरे को लगा उल्टी जाएगी। यार ये सही है, बोटिंग फ्री की, चलो इतनी बोटिंग तो ही कम से कम फ्री की। तो अभी हम एंटर कर चुके कैफे एरिया में, काफी अच्छा। और ज्यादा देर यहाँ पे शूट नहीं कर रहा हूँ, बब्बू मान जी के गाने चल रहे हैं, उस्ताद बब्बू मान के, तो कॉपीराइट आ जाएगा भाई। लेकिन कैफेटेरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, तो झूलों में लगा हुआ और यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ। कहाँ है वो रहा पीछे व्हाइट कलर का, ये देखो खरगोश है, पता नहीं रुकेगा गाइस। अभी पूरा का पूरा जू घूम लिया, तलियार झील घूम ली, अब जा रहे फाइनली घर में, ओ घर पे। और भाई पैरों में तो इतना दर्द हो रहा है ना, एक्चुअली ये वाइट शूज मेरे बहुत ज्यादा छोटे हैं, मुझे नहीं पता था ये छोटे आ गए हैं, तो अभी इनको जाके उतारना है सबसे पहले, फिर पैरों को आराम मिलेगा।